अस्सलाम वालेकुम। शहर लाहौर से सरेआम का एक खसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश है। आज का ये प्रोग्राम इतना आसान नहीं है इसलिए कि कोरोना के हवाले से जब भी बात हो बहुत सारे सवालात, बहुत सारे शकूक व शुबहात जहन में आते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इन सवालात या इन शकूक व शुबहात पर बात कर सकें सबूत के साथ, दलाइल के साथ। अभी हाल ही में इलॉन मस्क, जो कि अमेरिका में आजकल एक हीरो की हैसियत रखते हैं, टेस्ला एक खास किस्म की कार जो कि सोलर पावर से चलती है, वो उसके बानी तसव्वुर किए जाते हैं, उनके एक ट्वीट ने तहलका मचा दिया दुनिया भर में। और उनका यह कहना था कि उन्होंने एक ही दिन में 4 मुख्तलिफ कोरोना टेस्ट करवाए जिनमें से 2 टेस्ट नेगेटिव आए और 2 टेस्ट पॉजिटिव आए। पाकिस्तान में भी ये बात हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोज किसी ना किसी जरिए से सुनते रहते हैं कि एक ही शख्स ने 2 मुख्तलिफ लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाए, एक टेस्ट कोरोना का पॉजिटिव आया, एक टेस्ट कोरोना का नेगेटिव आया। तो आज सरेआम की टीम इस हवाले से भी कुछ जांचने की कोशिश करेगी लाहौर की मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज से, चाहे वो सरकारी लेबॉरेटरीज हैं चाहे वो गैर सरकारी लेबॉरेटरीज हैं, वहां से अपने नुमाइंदों का कोरोना टेस्ट करवाएगी और देखेगी कि क्या आया एक ही शख्स का कोरोना टेस्ट नेगेटिव ही आता है या फिर किसी खास लैब से नेगेटिव और किसी दूसरी लैब से टेस्ट पॉजिटिव आता है। सो ये देखना होगा कि टेस्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर और दुनिया भर में कोरोना के जितने टेस्ट हो रहे हैं क्या वो सही तौर पर किए जा रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है। और फिर ये कि कोरोना के नाम पर जितनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं या जिन एहतियाती तदाबीर के इख्तियार किए जाने का कहा जा रहा है वो किस कदर मौसर हैं और क्या उन पर वाकई अमल दरामद हो भी रहा है, एक आम आदमी उससे कितना मुतासर हो रहा है, कारोबार उससे कितने मुतासर हो रहे हैं, आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता कोरोना की ये नई लहर क्या रुख इख्तियार कर सकती है, पाकिस्तान का ताजर, पाकिस्तान का बिजनेसमैन, पाकिस्तान का आम शहरी इससे कितना मुतासर हो सकता है, इन तमाम पहलुओं पर, अहम तरीन पहलुओं पर जो आपसे जुड़े हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, हम सबकी जिंदगियों पर पॉजिटिवली के शायद बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, आज का ये प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि जामईयत के साथ मुरतब करके आपकी खिदमत में पेश करें। बहुत अहम प्रोग्राम, बहुत अहम सवालात, बहुत से अहम पहलू, बहुत सी अहम जहतें, बहुत सारे अहम इंकशाफात और ख़ास तौर पर ये कि क्या कोरोना के टेस्ट अगर आप 5 लेबॉरेटरी से करवाते हैं तो उनका नतीजा एक ही आएगा या नहीं। आज के सरेआम में टीम सरेआम आपको मुकम्मल सबूतों के साथ दिखाएगी। क्या बात है जनाब, ये नौकर हुसैन है और ये इसे बाजा भी कहते हैं, कार्नेट भी कहते हैं, विसल भी कहते हैं जो ये बजाते हैं। ये पुराने वक्तों में जब बजाया करते थे तो ये इत्तला होती थी शहंशाह मौज़म की आमद की। कोरोना भी बदकिस्मती से एक बादशाह की तरह इस दुनिया में आया, लेकिन एक जालिम बादशाह की तरह, एक ऐसे बादशाह की तरह कि जिसने गरीब से उसकी रोटी छीन ली, एक ऐसे बादशाह की तरह जिसने हर जानिब मौत बांट दी। तो आइए लाहौर के शहरियों से बात करते हैं, लाहौर के ताजर रहनुमाओं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जालिम बादशाह जिसका नाम कोरोना है ये उनकी जिंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज हुआ है। आइए